अब बच्चों हम पोटेंशियल एनर्जी की नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। इसकी जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, यानी इसकी जो नेक्स्ट टाइप बनती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम ये कह रहे होते हैं कि द एनर्जी स्टोर्ड इन कंप्रेस्ड और स्ट्रेच स्प्रिंग, यानी इसके बारे में कह रहे होते हैं एनर्जी है, एनर्जी स्टोर इन कंप्रेस्ड भी कहते हैं और स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, तो उस एनर्जी को हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का नाम दे रहे होते हैं जो एनर्जी स्टोर हो रही थी कंप्रेस या स्ट्रेच स्प्रिंग के अंदर। अब बच्चे इसके हम कोई स्प्रिंग बना लेते हैं, इसके लिए सपोज करें ये एक स्प्रिंग है, ये वाला स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग को अगर हम कंप्रेस करेंगे या स्ट्रेच करेंगे तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, और इसका जो फार्मूला हम लिख रहे होते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का वो 1/2 kx² होता है। इस फार्मूले में जो k लिखा हुआ है वो तो फेमिलियर है, किस चीज़ को कहते हैं स्प्रिंग कॉन्स्टेंट है, और x इसमें जो लिखा हुआ है वो इस स्प्रिंग के अंदर एक्सटेंशन और कंप्रेशन है, यानी ये एक्सटेंशन भी हो सकती है या ये आप लोगों का कंप्रेशन भी इसमें हो सकता है। तो इसमें जो k लिखा है वो स्प्रिंग कांस्टेंट है, और x इस फार्मूले में जो लिखा है वो बेसिकली एक्सटेंशन और कंप्रेशन है जो स्प्रिंग में प्रोड्यूस हो रही है। सपोज करें ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है जिसे हम मीन पोजीशन कह सकते हैं ना, तो इससे आगे जाएंगे तो इसमें क्या होगी एक्सटेंशन, और अगर इसे पीछे लेकर जाएंगे तो इसमें कंप्रेशन होगी। अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज़ देखते हैं, इसके किस टाइप के एमसीक्यूज़ आएंगे। अब अच्छे अज्यूम कर लें कि ये आपका कोई स्प्रिंग मैं एक बना रहा हूँ, ये एक स्प्रिंग है, ये इसकी सपोज कर लेते हैं मेन पोजीशन है। वो आप सही कह रहे हैं कि इस स्प्रिंग को आप लोगों ने कंप्रेस किया, यानी जो स्प्रिंग है आप लोगों ने इसको कंप्रेस किया, सपोज करते हैं आप लोगों ने इसको 4 cm कंप्रेस किया, यानी स्प्रिंग है हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं और इसको 4 cm कंप्रेस किया, और जब इसको 4 cm कंप्रेस किया उस वक्त इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वो यू है, यू कह देते हैं, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है वो यू के इक्वल है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि इफ़ इस स्प्रिंग के अंदर जो कंप्रेशन है वो हम सपोज कर लेते हैं अगर 20 cm हो जाए, यानी अगर इसमें जो कंप्रेशन है अगर वो 20 cm हम कर दें तो बताएं अब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक स्प्रिंग है उसको 4 cm कंप्रेस किया, पोटेंशियल एनर्जी यू स्टोर हुई, द मोमेंट व्हेन कंप्रेशन 20 cm हो जाए उस वक्त आप लोगों ने स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। ऑप्शन भी मैं लिख देता हूँ, एट से ऑप्शन यू लिखे होंगे, 25 U है, 20 U है, 5 U है, या 25 U स्क्वायर है, इस तरह के आपके ऑप्शन होंगे। देखिए इसको अटैम्प्ट करना बहुत ईजी है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी को वो किससे डिनोट कर रहा है, यू से, स्प्रिंग सेम है तो स्प्रिंग कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हो गया ये, कांस्टेंट हो गया 1/2 वैसे ही कांस्टेंट है, और पोटेंशियल एनर्जी को वो यू से डिनोट कर रहा है, तो इसका फर्मूला क्या बनेगा, यू इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर हो गया, यू इसको मैंने लिख दी है, और ये एक्स उसमें जो कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रही है। देखिए बच्चे इसकी जो एक्स सिंबल मैंने लिखी है, इसकी सिंबल हम एक्स, यहाँ पर जो एक्स है वो किसको डिनोट कर रहा है, इस वक्त 4 cm को डिनोट कर रहा है। अब ये सिंबल देख रहे हैं एक्स 4 cm को डिनोट कर रहा है, और जब उसमें कंप्रेशन एक्स है उस वक्त उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी यू स्टोर हो रही है। अब ये देखना है कि उसने एक्सटेंशन को कितना कर दिया, वो ये चाहता है कि एक्सटेंशन 4 cm से चेंज होकर 20 cm हो जाए, यानी क्वेश्चन में गिवन है पहले 4 cm पे यू है, वो ये चाहता है कि एक्सटेंशन 4 से 20 cm हो जाए। तो बच्चों इसका बहुत आसान सा मेथड ही होता है कि आप लोगों ने ये देखना है कि हम इस गिवन नंबर को किस चीज नंबर से मल्टीप्लाई करें कि इसका आंसर 20 हो जाए, यानी 4 को किस से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या हो जाए 20 हो जाए। तो 4 को अगर हम बच्चे किस से मल्टीप्लाई करें, 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ जो भी x की वैल्यू गिवन होगी आप लोगों ने देखना है कि जो फाइनल वैल्यू गिवन है वो ऑब्टेन करने के लिए इस गिवन वैल्यू को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे,
तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाइड कर रहे हैं, 5 से। जिस नंबर से भी मल्टीप्लाई करेंगे उस नंबर को आप लोगों ने x के साथ लिख देना, यानी जिस नंबर से भी आप लोगों ने उसको मल्टीप्लाई किया उसको x के साथ लिखेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि x पहले x था, अब कितना हो गया, 5 टाइम्स हो गया। अब आप इस दोनों साइड्स को बैलेंस करें तो इधर तो उस नंबर का स्केयर लिया जा रहा है, तो कितना बन जाएगा, ये 25u। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि जब एक्सटेंशन इसमें 4 सेंटीमीटर थी, पोटेंशियल एनर्जी यू थी, जब वो 20 सेंटीमीटर हुई तो उस वक्त जो एक्सटेंशन होगी वो इस रूल के अकॉर्डिंग कितने यू बन जाएगी, 25u बन जाएगी। ये बहुत आसान बात है, मैं एक और एग्जांपल से भी करवाता हूँ। सपोज करें बच्चे, आपको क्वेश्चन में जो पोटेंशियल एनर्जी है, जो वो यू ही सिंबल लेट से गिवन है, इसकी इनिशियल वैल्यू एक्स की 2 गिवन है, यानी इनिशियल एक्स 2 गिवन है, और ये वाला जो है ये सपोज कर लेते हैं आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है। समझ आ गई होगी आपको बात, इन इनिशियल जो कंप्रेशन एक्सटेंशन ही की बात है, कंप्रेशन का सवाल हो या एक्सटेंशन का, वो 2 सेंटीमीटर थी, उस वक्त एनर्जी यू थी, जब एक्सटेंशन 12 सेंटीमीटर होगी तो अब आप लोगों ने बताना है कि इसमें एनर्जी कितनी स्टोर हुई होगी। देखिए इसी तरह बिल्कुल उसको लिखते हैं दोबारा। अब एक्स किसको शो कर रहे हैं, 2 सेंटीमीटर को, तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर आप दूसरा लिख रहे हैं 12 सेंटीमीटर। अब आप लोगों ने लिखना है कि x के साथ यहाँ कौन सा नंबर लिखना है, ये क्वेश्चन है ना। तो आप ये देखेंगे कि इस नंबर को किस से मल्टीप्लाई करें कि ये फाइनल वाली कंप्रेशन बन जाए, तो 2 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बनेगा। तो बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, 2 को किस से, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 12 बन जाएगा। तो आप लोगों ने इसके साथ वो 6 लगा देना, इसका मतलब क्या हुआ कि अब आपके पास x जो है वो कितने टाइम इंक्रीज हो रहा है, 6 टाइम। अब इसको ओपन करेंगे तो इधर लिख देना है, तो 6 का स्केयर कितना होता है, 36। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कुछ बच्चे इधर यू स्केयर वाला ऑप्शन चूज कर देते हैं, देखिए यू का स्केयर नहीं आएगा, इस नंबर का स्केयर यहाँ लिखना है ना। तो इस केस में अगर ये 2 और 12 गिवन हो तो एनर्जी कितने टाइम हो जाएगी, 36u हो जाएगी। एक चीज़ होगी, एक इसका और फॉर्मेट है, वो इसका फॉर्मेट ये है कि सपोज करें आपको क्वेश्चन में यू कहने के बजाय इसकी एनर्जी दे दे, वो आपसे कह दे जब इसमें कंप्रेशन 2 सेंटीमीटर थी उस वक्त इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही थी सपोज करते हैं वो 2 जूल थी, यानी यू सिंबल की बजाय उसने वैल्यू दे दी है कि एनर्जी 2 जूल थी। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा आप इसको जितनी भी एनर्जी गिवन हो 2, 3, 4, 5 जो भी जूल गिवन हो आप इसको शुरू में यू ही लिखा रहने दें, क्योंकि यू वाला मेथड आप समझ चुके हैं। जब आप यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो 36, अगर यू की फॉर्म में ऑप्शन गिवन है वो चूज़ कर लेंगे, और अगर आपको यू की वैल्यू गिवन है तो उसको यहाँ पुट कर दो, तो यू यहाँ कितने गिवन है, 2 जूल गिवन है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 36 को 2 से करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 72 आंसर आ जाएगा। तो फिर आपका आंसर 72 जूल, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने आंसर लिख देना, यानी उसका जो आंसर बनेगा वो 72 आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल आप चीज़ें ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चे आगे चलते हैं, तो ये हमें आइडिया हो गया कि कंप्रेशन के जो क्वेश्चन आएंगे उसको हम इस मेथड से ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, उसको आप ज़रा समझें उसके डाटा को, फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें कहते हैं कि आपके पास 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं, यानी इस क्वेश्चन में कहते हैं आपके पास 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं, एक ए है और एक बी है, यानी ये क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं, एक स्प्रिंग को हम ए का नाम दे रहे हैं, हमारे पास 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग हैं, एक स्प्रिंग ए है और दूसरा स्प्रिंग बी है। क्वेश्चन में ये सपोज करें गिवन है कि स्प्रिंग ए इज, जो स्प्रिंग ए है वो स्टिफर है देन बी। 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, आइडेंटिकल मीन इनकी लेंथ सेम होगी, बट ए इज स्टिफर देन बी। स्टिफर का मतलब होता है कि ए जो है वो ज़्यादा हार्ड है देन किस से, बी से। तो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो स्टिफर होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट फिर दूसरे के स्प्रिंग कांस्टेंट से ज़्यादा होगा। ये क्वेश्चन में ये नहीं गिवन होगा किसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है, ये आपको खुद पता होना चाहिए। जो स्प्रिंग जितना हार्ड होता है, स्टिफर होता है, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ज़्यादा होता है। तो फिर इनको आइडेंटिकल क्यों कह रहे हैं, दोनों की लेंथ क्या होगी, फिर सेम होगी ना, उस सेंस में आइडेंटिकल है। तो 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग हो गए, ए स्टिफर है देन बी से, तो यहाँ से हम लोगों ने गेस कर लिया कि ए का स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा देन किस से, बी से। अब आप लोगों का एमसीक्यूज जो बनेगी उसको ज़रा देखें, इसमें आप लोगों ने बताना है एमसीक्यूज की, मैं थोड़ी सी स्टेटमेंट लिखता हूँ। इन विच स्प्रिंग इज मोर वर्क एक्सपेंडेड। तो ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कह रहा है 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं ए और बी,
ये हम लोगों ने खुद से गेस किया हुआ है। और आगे लिखा है इन विच स्प्रिंग इज मोर वर्क एक्सपेंडेड, इस किस केस में ज़्यादा वर्क एक्सपेंडेड होगा, इन किस केस में ज़्यादा वर्क डन हो रहा है। तो आगे मैं सिचुएशन भी लिख देता हूँ। सिचुएशन ये है, इफ दे आर स्ट्रेच, यानी अगर आप उनको क्या कर रहे हैं, इफ दे आर स्ट्रेच बाय सेम अमाउंट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इफ दे आर स्ट्रेच बाय सेम अमाउंट, दो स्प्रिंग हो गए, पूछ रहे किस केस में मोर वर्क डन होगा, इफ दे आर स्ट्रेच बाय सेम अमाउंट। तो आपके इस तरह के ऑप्शंस गिवन होंगे इसमें, यानी दोनों का वर्क डन आपस में इक्वल होगा, डब्ल्यू बी ग्रेटर होगा डब्ल्यू ए से, डब्ल्यू ए ग्रेटर होगा डब्ल्यू बी से, या डेल्टा ऑप्शन होगा, ऑल आर पॉसिबल। तो आपका एमसीक्यू समझ आ चुका है कि टू स्प्रिंग्स हैं, पूछ रहे स्प्रिंग किस में वर्क डन मोर एक्सपेंडेड होगा, और जो सिचुएशन एमसीक्यूज में गिवन है इफ दे आर स्ट्रेच बाय सेम अमाउंट, तो कह रहे हैं कि अगर हम उनको स्ट्रेच कर रहे हैं किस अमाउंट से, सेम अमाउंट से। तो देखिए सिंपल आप इससे करेंगे, हमें पता है कि इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो 1/2 kx² होता है, और इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो बेसिकली किसकी इक्वल है, वर्क डन की इक्वल है। कि अगर आप किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो स्ट्रेच करने में हम उस पर क्या करेंगे, वर्क डन करेंगे, वही वर्क डन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या हो रहा है, स्टोर भी हो रहा है। तो इस केस में मुझे बताएं कि क्वेश्चन में क्या हिंट गिवन है, इफ़ दे आर स्ट्रेच बाय सेम अमाउंट, तो अगर उनकी स्ट्रेचिंग सेम है, मीन क्वेश्चन में एक्स जो है वो सेम गिवन है, अगर एक्स की वैल्यू सेम गिवन है तो टू तो वैसे ही कॉन्स्टेंट है, तो जो वर्क डन होगा वो डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है किस चीज़ पे, स्प्रिंग कांस्टेंट पे। तो जिस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा उस केस में वर्क डन भी ज़्यादा होगा। तो हमें क्वेश्चन में क्या हिंट गिवन था, ए इज स्टिफर देन बी, तो किसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है, ए का स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा है। तो जिस केस में जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज़्यादा होगा उस स्प्रिंग को सेम अमाउंट में स्ट्रेच करने के लिए मोर वर्क क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। तो इस केस में किसका वर्क डन ज़्यादा होगा, ए वाला स्प्रिंग जो है उसको स्ट्रेच करने के लिए मोर वर्क रिक्वायर्ड होगा देन किस से, बी वाले से। इसी के एमसीक्यूज थोड़ा चेंज होकर यूं भी बन सकता है, अगर इसकी मैं स्टेटमेंट थोड़ी चेंज कर दूं, इसमें मैंने क्या लिखा है, इफ़ दे आर स्ट्रेच बाय सेम अमाउंट, अगर इसको बच्चे में अगर ये कह दूं इफ़ दे आर स्ट्रेच बाय सेम फोर्स कर दें, अगर इसकी जगह पर, यानी इफ़ दे आर स्ट्रेच बाय सेम फोर्स। और बाकी क्वेश्चन यही है कि आप लोगों ने गिवन ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फॉर वर्क डन, यानी किस केस में मोर वर्क डन होगा। जरा देख लें इस केस में पहले क्या सेम थी, एक्सटेंशन सेम थी, अब हम लोगों ने किस चीज़ को सेम की है, फोर्स को सेम कर दी है। इसको देखते हैं, देखें वही W लिखें या P लिखें, बात एक ही है, 1/2 kx² है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आप लोगों ने इस फार्मूला में फोर्स को इन्वॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों को स्ट्रेच किया है बाय किस से, सेम फोर्स से। तो आप लोगों ने इस केस में ये चीज़ देखनी है कि फार्मूला में फोर्स किस तरह इन्वॉल्व होगी। तो फोर्स को इन्वॉल्व करने के लिए देखिए बच्चे, हमें पता है ना हुक्स लॉ रिलेशन जो है F=kx होता है। अब अगर हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें तो x किसके इक्वल हो जाएगा, F/x हो जाएगा, x जो होगा दैट इज इक्वल टू F/k हो जाएगा। इस x की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दें, देखिए फोर्स खुद ही इन्वॉल्व होगी, 1/2 k, इस x की जगह पर अब हम क्या लिख सकते हैं, स्केयर लिखेंगे, F² ओवर कौन सा है, k² डायरेक्ट स्केयर मैंने कर दिया, आपको आइडिया हो रहा होगा k से कैंसिल हो जाएगा। तो वर्क डन इस केस में जो बनेगा 1/2 f² / k बन जाएगा। अब हम इजीली आंसर कर सकते हैं, देखो बच्चों क्वेश्चन ये कहा है, इफ दे आर स्ट्रेच बाय सेम फोर्स, अगर दोनों को सेम फोर्स से उसने स्ट्रेच किया है, अगर दोनों को सेम फोर्स से स्ट्रेच किया है तो f इस केस में तो फिर क्या गिवन है, कॉन्स्टेंट गिवन है। अगर इस केस में F कांस्टेंट गिवन है तो अब मुझे बताओ ना वर्क डन का और स्प्रिंग कांस्टेंट का कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। इसका मतलब यह है कि जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कम होगा उसमें वर्क डन क्या होगा, ज़्यादा होगा, और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसमें वर्क डन कम होगा। तो लेस स्प्रिंग कांस्टेंट किसका है, बी वाला जो है उसका स्प्रिंग कांस्टेंट लेस है, अगर स्प्रिंग कांस्टेंट लेस है तो वर्क डन विल बी मोर।
तो इस केस में डब्ल्यू बी ग्रेटर होगा देन किस से, डब्ल्यू ए से। तो अगर दूसरी स्टेटमेंट आ जाती है तो इसका ऑप्शन फिर कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। तो बहुत बच्चे बेसिक सेंस क्यूज है, बस मेरा पर्पज़ इसमें यह था कि आपको एक ये वाले फार्मूले में से 1/2 के स्क्वायर में डब्ल्यू और के का डायरेक्ट लिंक समझ आ जाता, और दूसरा पर्पज़ ये था कि आपको डब्ल्यू और के का इनवर्स लिंक का भी आइडिया हो जाता। तो इस पैटर्न को भी जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों ने माइंड में रखना है। इस इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के अब बच्चों कुछ और एमसीक्यूज देखते हैं जो डायग्राम रिलेटेड आपको पेपर में आ सकते हैं। आप सपोज करें कि आपका सी एक स्प्रिंग है जो ग्राउंड के साथ अटैच है, और उस स्प्रिंग कांस्टेंट सपोज कर लेते हैं 1 न्यूटन पर मीटर है। अब आप सभी कहते हैं कि इस स्प्रिंग के ऊपर, ये जो स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के ऊपर एक मास ड्रॉप हो रही है, इन एक स्प्रिंग है उस स्प्रिंग के ऊपर एक मास ड्रॉप हो रही है, और मास जो ड्रॉप आप लोगों ने की है, यानी मास जब आप लोगों ने ड्रॉप की है तो जितनी मास ने हाइट कवर की है उस स्प्रिंग के ऊपर ड्रॉप होने में, वो सपोज करें 5 मीटर है, यानी 5 मीटर हाइट से इसकी वैल्यू भी ले लेते हैं। एक बॉडी जिसकी मास 1 किलोग्राम है वो 5 मीटर हाइट से आप लोगों ने स्प्रिंग के ऊपर फॉल की है, तो ज़ाहिर है जब ये स्प्रिंग के ऊपर फॉल करेगी तो इस स्प्रिंग के अंदर कंप्रेशन प्रोड्यूस हो जाना, यानी जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो जाएगा ना। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि इस स्प्रिंग का कंप्रेशन बताएं, एक ये बहुत फेमस सिचुएशन है, ये हमारे जो बुक्स हैं उसके अंदर न्यूमेरिकल्स के तौर पर भी इस तरह के क्वेश्चन रहे कि एक स्प्रिंग है उसके ऊपर मास ड्रॉप कर रहा है और स्प्रिंग के अंदर जो कंप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो आपसे कहता है कैलकुलेट करें। देखिए इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कर सकते हैं, क्योंकि जब मास ऊपर से गिरी है तो उस मास के पास कौन सी एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो जब वो गिरेगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा, लॉस आएगा ना। तो जब वो मास इसके ऊपर फॉल कर रही है तो उस केस में लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ रहा है, इन इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आ रहा है, और जो गेन आएगा इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में, यानी लॉस किस में आ रहा है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में, और गेन आ रहा है किस में, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। आप चाहें तो इसके ऑप्शन भी डिफरेंट लिख सकते हैं, अगर एक्सटेंशन कंप्रेशन कैलकुलेट करना है लेट से 10 मीटर है, 1 मीटर है, 5 मीटर है एंड 50 मीटर है। तो जो बेसिक फार्मूला है वो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू होगा गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस में लॉस इन ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी आपका कितना बनेगा, एम जी एच, मास एम है, जी और एच हो गया, जी वैसे ही कॉन्स्टेंट है, और गेन इन द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी 1/2 के एक्स स्क्वायर आएगा। अब बच्चों आप ज़रा सिचुएशन ध्यान से सुनिएगा, इसमें खाली एक्स का क्वेश्चन नहीं आ सकता, इसमें आपके 4 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक मैस को अननोन कर सकता है वो, अगर देखें ना, अगर आपको आपको एच गिवन है, के और एक्स दोनों चीज़ें दे दे तो आप क्या बता सकते हैं, मैस। इसमें हाइट अननोन के क्वेश्चन आ सकते हैं, इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और अभी हमसे जो पूछा हुआ है वो उसने एक्स का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आप लोगों ने इस कंसेप्ट को इस तरह माइंड में रखना है कि इसके आपके कितनी टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे, 4 डिफरेंट MCQs बन सकते हैं, चारों में से कोई सी भी 3 चीज़ें अगर आपको गिवन हो तो 4th वन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये मेथड समझ आ चुका होगा। खैर इस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इस क्वेश्चन में वो आपसे एक्स डिमांड कर रहा है, आप इस एक्स स्क्वायर को इसी साइड पर रहने दें, बाकी डाटा को उधर ले जाएँ, तो 2 MGH डिवाइडेड बाई के हो जाएगा, और अगर हम इसके बोथ साइड पे अंडर ले लेते हैं तो स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो जाएगा, तो अंडर 2 MGH बाई के इक्वल हो जाएगा। ये भी बच्चों कुछ यूनिवर्सिटी में जस्ट इतना एमसीक्यू भी आया होता है, मतलब वो क्वेश्चंस कंप्लीट सॉल्व करने को नहीं कहता, जस्ट उसने एक्स का फार्मूला पूछा होता है, तो आप चूज़ कर सकते हैं 2 MGH बाई के। अगर हम इसमें वैल्यूज पुट कर दें इस एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए, तो 2 है मास, 1 गिवन है, जी को हम यूजली 10 यूज़ करते हैं, हाइट आपको क्वेश्चन में 5 गिवन है, डिवाइडेड बाई स्प्रिंग कांस्टेंट भी 1 है। तो देख लें, 5 को 10 को 5 से करेंगे 50, 50 को 2 से करेंगे तो 100, तो अंडरूट 100 जो बनेगा वो आपके पास 10 मीटर की इक्वल हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन अल्फा ऑप्शन बनेगा। तो बहुत अच्छा और कॉमन एमसीक्यूज है ये। एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बच्चे अब यूँ समझ लें कि आपके पास ये कोई रिजिड वॉल है और इस रिजिड वॉल के साथ एक स्प्रिंग लगा हुआ है, यानी एक रिजिड वॉल है
और इस रिजिड वॉल के साथ एक स्प्रिंग लगा हुआ है जिस तरह डायग्राम में शो हो रहा है। एक कार है जो स्प्रिंग की तरफ मूव करती हुई जा रही है। सपोज कर लेते हैं कि उस कार की जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड है जब उसने उस स्प्रिंग के साथ कोलाइड किया। स्प्रिंग लगा हुआ है दीवार के साथ, कार जा रही है और स्प्रिंग के ऊपर हिट कर रही है। द मोमेंट जब उसने हिट किया है उस वक्त उसकी स्पीड 2 मीटर पर सेकंड गिवन है। स्प्रिंग कांस्टेंट कोई हम लिख सकते हैं, सपोज करते हैं 100 न्यूटन पर मीटर है, ये स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है। और बॉडी जाकर उसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है और इस बॉडी की मास हम अज्यूम कर लेते हैं से 16 kg है। कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हैं, वो तो डिपेंड करता है ना एमसीक्यूज में क्या गिवन होगी। 16 kg की बॉडी ने जाकर उसके ऊपर स्ट्राइक की है। अब अगेन वही बात कि वो आपसे कह रहे हैं जब ये स्ट्राइक करेगी तो इस स्प्रिंग में क्या प्रोड्यूस होगी, कंप्रेशन प्रोड्यूस होगी, स्प्रिंग कंप्रेस हो जाएगा। तो आपसे पूछ रहे हैं इस केस में भी कंप्रेशन कैलकुलेट करें। तो देखिए दोनों सिचुएशन डिफरेंट है, इधर एक बॉडी फॉल कर रहा था उसके ऊपर, इधर एक मूविंग कार जाकर उसके ऊपर क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है। ये वर्टिकल सिस्टम था और वो हॉरिजॉन्टल सिस्टम है। इसमें भी हम बच्चों अगर आपसे एक्स पूछता है तो आप एक्स के चाहे तो डिफरेंट ऑप्शन लिख लें। लेट्स से आप लिख लें 0.2 मीटर, 0.4 मीटर, 0.6 मीटर एंड 0.8 मीटर। अब देखें ये भी बिल्कुल वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। जिस तरह यहाँ पर मैंने बताया था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई होगा कि लॉस इन पोटेंशियल गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल, बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी हो रहा है। लेकिन क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सिस्टम है, इस हॉरिजॉन्टल सिस्टम में ये होगा कि जब कार उसके साथ जाकर कोलाइड करेगी तो कार देखें किस चीज़ में है, मोशन में है। अगर कार मोशन में है तो कार के पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक है। तो इसमें कार की किस चीज़ में लॉस आएगा, बिल्कुल आप ठीक सोच रहे हैं, काइनेटिक में लॉस आएगा। तो इस पर जब लॉ अप्लाई करेंगे तो मुझे लिखवाए ना क्या लिखना चाहिए मुझे, लॉस इन काइनेटिक इज इक्वल टू, आगे तो वही स्प्रिंग ही लगा हुआ ना, तो स्प्रिंग में क्या आएगा, लॉस इन काइनेटिक इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल, और पोटेंशियल कौन सी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक का सबको फार्मूला याद है, वो हाफ एम वी स्क्वायर होता है। अब गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का तो हम बार बार फार्मूला आज तो लिख रहे हैं, 1/2 kx² है। देखिए इसमें 1/2 से कैंसिल हो गया। अब ज़रा बात मेरी ध्यान से सुने, देखिए इसमें ये नहीं कि आपका हमेशा x का ही क्वेश्चन आना है। आप इस बात को यूँ सोचो कि इसके अंदर आपके 4 वेरिएबल्स हैं, मास वेरिएबल है उस बॉडी की जो मूविंग बॉडी है, उसकी स्पीड वेरिएबल है, के वेरिएबल है और एक्स वेरिएबल है। इन 4 वेरिएबल में से कोई से भी 3 वेरिएबल अगर आपको गिवन हो तो फोर्स वन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये नहीं समझना कि इसमें क्वेश्चन अगेन एक्स की आएंगे, तो इसमें भी अब आपके 4 MCQs बन सकते हैं। 4 वेरिएबल में से कोई से 3 गिवन हो तो फोर्स वन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं कंप्रेशन के क्वेश्चन इसलिए बार बार करवा रहा हूँ कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटी में कंप्रेशन का ही क्वेश्चन आता है, लेकिन आप लोगों ने माइंड में रखना है कि चेंज होकर वो किसी और वेरिएबल का क्वेश्चन भी आ सकता है। जल्दी से यहाँ से एक्स को कैलकुलेट करते हैं, एक्स स्क्वायर को आप उधर ही रहने दें, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई के, हमें तो एक्स स्क्वायर नहीं एक्स चाहिए ना, तो हम इस इक्वेशन के बोथ साइड पेंडुट ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू एम बाई के इंटू वी हो जाएगा। अच्छा एक और चीज़ भी समझ लेना, यहाँ तक भी एमसीक्यू आ सकता है, मतलब ज़रूरी नहीं कि वो ये जो 16/100 गिवन है ये ना भी गिवन हो, तो जनरल फार्मूला भी आप लोगों से एक्स का पूछ सकता है, एक्स को सब्जेक्ट बनाकर पूछ सकता है, वी को सब्जेक्ट, एम को सब्जेक्ट एंड के को सब्जेक्ट बनाकर ये भी 4 MCQs आपके यहाँ से बन सकते हैं। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में वैल्यूज गिवन है। तो अब ज़रा देखो एम की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर, 16 k, बच्चों आपको 100 गिवन है और साथ में v बच गया है, v क्वेश्चन में 2 गिवन है। देखिए इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, अब इसको कैंसिल करने का फ़ायदा नहीं है, दोनों के आप इसको अंडरूट ले लो, क्योंकि 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 का अंडरूट क्या बनेगा 4, 100 का कितना आ जाएगा 10/2, तो ये कितना बन जाएगा 8/10, तो ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 0.8 मीटर। तो इस तरह अब हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका ऑप्शन जो बनेगा वो डेल्टा ऑप्शन होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।